वर्तमान में मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। उसी क्रम में विभिन्न जिलों में स्कूलों के अवकाश को लेकर आदेश प्रसारित किए गए हैं। आज उन्हीं कुछ जिलों के नाम हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला अनूपपुर का आदेश देख रहे हैं। इसमें यदि हम देखें तो जिले में अत्यधिक वर्षा एवं जल भराव की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए छात्रों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिले के समस्त प्री प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12वीं तक संचालित सभी शासकीय अशासकीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय में दिनांक 4/8/23 को छात्रों के लिए अवकाश घोषित किया जाता है। शिक्षक यथावत विद्यालयीन कार्य संपादित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित ये आदेश है। अगले क्रम में यदि हम देखें तो कार्यालय कलेक्टर जिला उमरिया मध्य प्रदेश से भी जारी हुआ है। इसमें भी जिले में अत्यधिक वर्षा एवं जल भराव की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षागत प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक की संचालित सभी शासकीय अशासकीय और केंद्रीय विद्यालयों में 4/8 को विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया जाता है। वहीं अगर अगले क्रम में हम देखें उमरिया के बाद तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कटनी मध्य प्रदेश में भी यह आदेश जारी किया गया है और इसमें भी 4 अगस्त दिन शुक्रवार को जिले में संचालित समस्त शासकीय अशासकीय शिक्षण संस्थानों में 1 से 12 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए अवकाश घोषित किया गया है। इसमें मुख्य बात ये भी है, अवकाश के कारण बाधित हुई शैक्षिक पाठ्यक्रम की प्रतिपूर्ति अन्य कार्यों में अतिरिक्त कालखंड के माध्यम से की जाएगी। अगले क्रम में यदि हम देखें तो कार्यालय कलेक्टर जिला शिक्षा केंद्र शहडोल से भी स्कूलों के अवकाश को लेकर आदेश जारी किया गया है। इसमें भी यदि हम देखें तो प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक की संचालित सभी शासकीय अशासकीय और केंद्रीय विद्यालयों में 3 एवं 4 अगस्त को छात्रों के लिए अवकाश घोषित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। तो इस तरीके से लगातार विभिन्न जिलों से स्कूलों के अवकाश को लेकर आदेश प्रसारित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले समय में अन्य जिलों से भी हमें ये आदेश देखने को मिल सकते हैं। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।